दोस्तों आज मैं आपको बटेर के मास के सेवन से होने वाले जबरदस्त फायदे बताऊंगी, जिन्हें जानने के बाद आपकी भी उड़ जाएंगे होश। हाँ दोस्तों, देखिए अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो आपने कई तरह के नॉनवेज तो खाए होंगे, जैसे कि चिकन, मटन, मछली इत्यादि, लेकिन आपने बटेर का मीट शायद ही खाया हो। देखिए दोस्तों, बटेर को इंग्लिश में ना क्वैल कहा जाता है। बटेर का मांस खाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। इस छोटी सी चिड़िया के रसदार और मुलायम मांस में ना एक्सेलेंट टेस्ट भी होता है, और ये पुरानी से पुरानी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता यानी कि पावर भी रखता है, और हमारे हड्डियों को मजबूत भी करता है। इसके अलावा ना बटेर मांस में शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक विटामिन और साथ ही पोषक तत्वों की एक बड़ी मात्रा होती है। बटेर के मांस में ना मुर्गी से भी ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, और इसमें विटामिन ए, डी, के और साथ ही बी, और इसके अलावा पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फरस, तांबा, लोहा, कैल्शियम, सेलेनियम के साथ ही सोडियम और मैंगनीज जैसे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी रखना चाहते हैं अपने आप को हेल्दी, तो आज से आप भी ना दोस्तों बटेर का मांस खाना शुरू कर दीजिए। बहुत ही टेस्टी होने के साथ ही हेल्थ बेनिफिशियल भी होता है। तो आइए जान लेते हैं बटेर के मांस से होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो देखिए, बटेर के मांस में ना अन्य नॉनवेज की तुलना में बहुत कम वसा यानी बहुत कम फैट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी को बहुत कम कोलेस्ट्रॉल देता है, इसीलिए हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। यानी कि दोस्तों, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के काम पर सकारात्मक प्रभाव डालकर कोलेस्ट्रॉल से रक्त वाहिकाओं को साफ भी करता है। इतना ही नहीं, हृदय रोग के जोखिम को भी कम करता है। इसीलिए अपने हार्ट को रखना है हेल्दी तो आप बटेर का मांस ज़रूर खाइएगा। बटेर का मांस खाने से ना तांत्रिका तंत्र को मजबूती मिलती है। दरअसल मस्तिष्क में ना रक्त परिसंचारण में ये सुधार करता है। ऐसे में तनाव कम होता है, उदासीनता और साथ ही अवसाद का भी इलाज करता है। इतना ही नहीं, इसके सेवन से ना चिड़चिड़ापन भी कम हो जाता है और लगातार थकान भी गायब हो जाती है। साथ ही जब आप बटेर का मांस खाते हैं ना, तो ये हड्डियों और साथ ही हमारे मांसपेशियों की नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ को भी प्रमोट करने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभदायक होता है। और ना दोस्तों, इसकी ख़ास बात यह है कि बटेर का मांस जो है अक्सर मोच, फ्रैक्चर या फिर बोन से रिलेटेड किसी भी तरह की हेल्थ कंडीशन आपको हुई हो, तो उसमें रिकवरी पीरियड के दौरान ना अगर आप जो है बटेर का मांस खाते हैं तो आप जल्दी से रिकवर हो जाते हैं। इसीलिए फ्रैक्चर हुआ हो, मोच हुआ हो या फिर अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हुई हो, बस आप बटेर का मांस खाइए, आपकी हड्डियों को जो है मजबूत के साथ ही हेल्दी बनाएगा। इसके अलावा ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जुड़ी बीमारियों को दूर करके हमारा जो चयापचय होता है यानी कि मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाकर फैट बर्न करके वजन कम करने में भी हेल्प करता है। नाखून, दांत, बाल और साथ ही त्वचा की स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है, और नाखून, बाल, दांत को मजबूत करके उन्हें सदा जवा बनाए रखने में भी मदद करता है। इससे ना बालों का झड़ना भी कम होता है और ये त्वचा को टाइटन करके उसे यंगर लुकिंग स्किन भी देता है। इसके अलावा पुरुषों में ना ये कामेच्छा को बढ़ाता है। जी हाँ, बटेर मांस ना पुरुष प्रजनन प्रणाली से जुड़ी प्रॉब्लम्स को दूर करके उनमें फर्टिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम को दूर करके फर्टिलिटी को बढ़ाता है, जिसकी ना दोस्तों पुरुषों में पौरुष शक्ति बढ़ती है। इस तरह से वो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इतना ही नहीं, जोड़ों और साथ ही गुर्दे में ना डिपोजिशंस ऑफ जो सॉल्ट्स हो जाता है उसको ये नहीं होने देता है, जिससे कि ना किडनी और साथ ही जोड़ जो है सदा स्वस्थ और हेल्दी बने रहते हैं। डायबिटीज मेलिटस में ना रक्त शर्करा के स्तर यानी कि शुगर लेवल जो होता है उसे भी मेंटेन करता है। इसीलिए अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको बटेर का मांस ज़रूर खाना चाहिए। इसके अलावा ना दोस्तों, बटेर के मांस से आपको किसी भी तरह की एलर्जी नहीं होती है। मतलब कि चाहे आप गर्भवती महिला हो, स्तनपान कराने वाली महिला हो या फिर बड़े बुजुर्ग हो, हर किसी के लिए ना ये मांस बहुत ही उपयोगी और हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रोटीन होता है। इसीलिए बटेर का मांस अक्सर ना प्रोफेशनल एथलीट्स जो होते हैं उनके द्वारा खाया जाता है। ये ना केवल आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है बल्कि विटामिन तत्वों से भरपूर होने के साथ ही वजन को प्रभावित नहीं करता है और हमारे बॉडी को फिट रखता है। इसीलिए आप चाहे गर्भवती महिला हो, स्तनपान कराने वाली महिला हो या फिर दोस्तों आप हेल्दी हो या ना हो, हर सिचुएशन में आप बटेर का मांस खा सकते हैं। यह आपके लिए हेल्दी रहेगा, वो भी प्रोटीन्स और विटामिन से भरपूर। इतना ही नहीं, बटेर के मांस में भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, राइट?
तो इसीलिए विटामिन ए ना एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जो कि आंखों की रोशनी को बढ़ाकर जो धुंधलापन या फिर नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है उसे दूर कर देता है। और ना दोस्तों, बटेर का मांस आपके दिमाग के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। बच्चे और सभी बुजुर्गों का दिमाग ना कमज़ोर हो जाता है कई बार बुढ़ापे में, जो है दोस्तों बुढ़ापे की वजह से होता है, तो कई बार थोड़े से बच्चों का दिमाग जो है कमज़ोर रहता है पढ़ाई में। तो ऐसे में दोस्तों देखिए, बटेर के मांस में ना कई तरह के जो है विटामिन्स और साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि ना हमारे न्यूरो सिस्टम के लिए बढ़िया रहते हैं, हमारी याददाश्त को बढ़ाते हैं, मेमोरी को तेज़ करते हैं। इसीलिए अगर आप जो है पढ़ाई में जो है वीक है या फिर बड़े बुजुर्ग हैं और काफ़ी सारी बातें भूल जाते हैं तो आप बटेर का मांस ज़रूर खाइएगा। बटेर के मांस में ना फॉस्फरस और साथ ही कैल्शियम होता है। हड्डियों की देखभाल के लिए इन दो पोषक तत्वों के फायदे बहुत होते हैं ताकि हम हड्डियों की समस्याएं जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस से बच सके। और साथ ही जो कैल्शियम और साथ ही फॉस्फरस होता है ना, इसके कारण ही आपको ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी को दूर करने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपको ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम ना हो, तो बस आप बटेर का मांस जवानी में खा लीजिए, आपकी हड्डियां सदा जवान रहेगी। और यदि हम बटेर के मांस का सेवन करते हैं तो हम सांस की समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल दोस्तों, देखिए बटेर के मांस से ना सांस से जुड़ी कुछ समस्याएँ जैसे कि अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस आदि प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हैं। अगर आपको अस्थमा हो या फिर टीबी की बीमारी हो तो इसमें आप बटेर का मांस ज़रूर खाइएगा। इसके अलावा ना दोस्तों, अगर हम नियमित रूप से बटेर के मांस का सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर में ना रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकता है। ये बढ़ती हुई प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर को आसानी से बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। इसके अलावा ये हेल्दी या फिर ताकतवर प्रतिरक्षा प्रणाली ना दोस्तों, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में आने वाले बैक्टीरिया, वायरस और साथ ही पैरासाइट्स को मार देता है, जिससे कि ना हम छोटे मोटे बीमारियों के होने से बच जाते हैं और हमें बीमारियाँ नहीं लगती हैं। और ना दोस्तों, मानव शरीर के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक पोषक तत्व होता है और बटेर के मांस में ढेर सारा प्रोटीन होता है। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए आपको अपनी डाइट में बटेर का मांस ज़रूर शामिल करना चाहिए। इतना ही नहीं, बटेर का मांस ना हमारे लीवर के लिए भी बेहतरीन फायदे देता है। बटेर मांस में ना हिपोप्रोटेक्टिव गुण होते हैं जिसका अर्थ है कि लीवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बटेर का मांस ना दोस्तों लीवर को स्थिर करके लीवर को डैमेज होने से बचाता है और लीवर के टिश्यूज़ के पतन को भी कम करता है। इससे हमारा लीवर जो है हेल्दी रहता है, तो लीवर को हेल्दी रखने के लिए बटेर का मांस ज़रूर खाएं। इतना ही नहीं, एनीमिया का समाधान भी करता है बटेर का मांस। हाँ दोस्तों, बटेर के मांस में ना मौजूद आयरन एनीमिया या फिर निम्न रक्त को दूर करने का कार्य करता है। आयरन जो है हीमोग्लोबिन उत्पादन और एरिथ्रोसाइट्स में भी मदद करता है जो कि ना हमारे शरीर में कम रक्त को हल कर सकता है, मतलब कि हमारे शरीर में नए खून को बनाने में हेल्प करता है। आप प्राकृतिक रूप से एनीमिया का इलाज करना चाहते हैं तो इसके लिए बटेर का मांस ज़रूर खाइएगा, बहुत ही हेल्दी होता है आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपने आप को फिट और हेल्दी रखना तो आज से ही बटेर का मांस खाएँ और अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी बनाएँ।